बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, इस लेक्चर में मैथमेटिक्स बी कोर्स 1 का पंजाब यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हम करेंगे, जो बीएबीएससी के 2016 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। मैथमेटिक्स बी कोर्स 1, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, बी ए बी एस सी 2001, क्वेश्चन 1, पार्ट ए। बुक टू फॉलो, वेक्टर एनालिसिस बाय ज़ेड.आर. भट्टी। करंट लेक्चर इज यूजफुल फॉर बी ए बी एस सी एंड एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, बी एस मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, बी एस आई टी, बी एस कंप्यूटर साइंस, पी पी एस सी लेक्चर मैथमेटिक्स, एफ पी एस सी लेक्चर मैथमेटिक्स, पी पी एस सी मैथमेटिक्स, सी एस एस मैथमेटिक्स। क्वेश्चन है जी के वेरीफाई द फॉर्मूला ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। एक बात ये ध्यान में रखें कि ये वेरीफाई करना है, प्रूव नहीं करना। बाई टेकिंग वैक्टर्स ए बी एंड सी, यहाँ उसने वैक्टर्स ए बी सी खुद दे दिए हुए हैं, आपने इस फार्मूले को वेरीफाई करना है, प्रूव नहीं करना कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इसके बराबर होता है। क्या फ़र्क है फार्मूला ड्राइव करने में और वेरीफाई करने में? जो ड्राइव करना होता है उसमें तो आप एक लेफ्ट हैंड साइड लेके तो ये चीज़ लेके आते हैं, और जो आपने वेरीफाई करना है उसमें ये वाले वेक्टर्स ए बी सी की वैल्यूज हैं वो आपने लेफ्ट हैंड साइड में पुट करनी है और उसका एक आंसर आ जाएगा। ये है लेफ्ट हैंड साइड, यानी हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी पहले फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज वेक्टर्स ए बी एंड सी। आफ्टर फाइंडिंग ए क्रॉस बी क्रॉस सी हम राइट हैंड साइड पर चलेंगे, यानी ये कोई वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू आ जाएगी वेक्टर्स ए बी सी की मदद से। फिर हम राइट हैंड साइड की वैल्यू, राइट हैंड साइड की वैल्यू कौन सी मालूम करेंगे? ए डॉट सी इंटू बी मालूम करेंगे, फिर ए डॉट बी इंटू सी मालूम करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे और फिर अल्टीमेटली देखेंगे कि ये राइट हैंड साइड का ये जो आंसर आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगा। इसको कहते हैं वेरीफाई करना, यानी गिवन वैक्टर्स की मदद से आप पहले लेफ्ट हैंड साइड मालूम करेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और फिर राइट हैंड साइड मालूम करेंगे ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। तो दोनों आंसर सेम आ जाएंगे और हम कहेंगे कि फार्मूला वेरीफाई हो गया। ओके, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड मालूम करना करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये ब्रैकेट लगी हुई है तो पहले बी क्रॉस सी कंप्यूट करेंगे, ए क्रॉस बी हम मालूम नहीं कर सकते क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई है बी क्रॉस सी के ऊपर। तो पहले हमने क्या मालूम करना है? बी क्रॉस सी। अब बी दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला आपने सेकंड ईयर में भी पढ़ा हुआ है वेक्टर वाले चैप्टर में, मैं ज़रा दोबारा याद करा देता हूँ कि जब दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करते हैं तो 3/3 का डिटरमिनेंट लिखते हैं और उसकी फर्स्ट रो जो है उसमें आई जे के यूनिट वैक्टर्स आते हैं। ये फर्स्ट रो जो है इसमें आई जे के यूनिट वैक्टर्स आएंगे, और सेकेंड रो में चूँकि पहले वैक्टर बी लिखा हुआ है तो वैक्टर बी की कॉम्पोनेंट्स आएंगी। वैक्टर बी की पहली कॉम्पोनेंट क्या है? माइनस वन। आई के साथ क्या है? माइनस वन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस वन। वैक्टर बी की दूसरी कंपोनेंट जे जो वाली कंपोनेंट तो ज़ीरो है क्योंकि आप गौर से देखें बी में जे है ही नहीं है, जे की कंपोनेंट ज़ीरो आ जाएगी। वैक्टर बी की तीसरी कंपोनेंट के का कंपोनेंट कोएफिशिएंट जो है वो टू है तो यहाँ पर टू आ जाएगा। इस तरह आपके पास सेकेंड रो में वेक्टर बी आ गया। सेकंड रो में क्या कौन सी चीज़ आ गई है? वेक्टर बी, वेक्टर बी की कंपोनेंट्स आ गई। इसी तरह आप चलेंगे सी वेक्टर की कंपोनेंट्स, अब वेक्टर आपके पास सी है तो वेक्टर सी की कंपोनेंट्स आपने लिखनी है। वेक्टर सी की कंपोनेंट पहली तो है ही नहीं है, आई आई यहाँ पे मौजूद नहीं है ना, तो जो यहाँ पे आई की जगह आना है उसमें ज़ीरो आएगा क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं वैक्टर सी में आई नहीं है। और फिर वेक्टर सी में जे है, जे का क्वेश्चन वन है, यहाँ वन आ जाएगा। और वेक्टर सी में के भी है, के का क्वेश्चन वन है, यहाँ वन आ जाएगा। इस तरह से आपके पास ये डिटरमिनेंट की तीसरी रो भी आ जाएगी।
जी कैसे आती है? जब आप दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करते हैं, पहली रो में तो आई जे के आते हैं डिटर्मिनेंट की, दूसरी रो में पहला वेक्टर जो है इस वक्त जो पहला वेक्टर कौन सा था, वेक्टर बी, इसकी कंपोनेंट्स आ गई हैं, और तीसरी रो में वेक्टर सी की कंपोनेंट्स आ गई। इस तरह से ये हमने हमारा डिटर्मिनेंट बन गया। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना हमें, एक्सपेंशन भी आपने पढ़ी हुई है तीसरे चैप्टर में फर्स्ट ईयर के 3x3, लेकिन फिर भी मैं ज़रा डिटेल से आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट रो से जब इसे एक्सपेंशन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का आई वेक्टर जो है ना, फर्स्ट रो का पहला वेक्टर आई, ये पहली कंपोनेंट जो भी लिखा हुआ है नंबर वो लिखते आई लिख। उसके बाद आपको याद होगा ये हमने रो छोड़ देनी है, और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, चूंकि ये एलिमेंट पड़ा हुआ है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये जो आई आपने लिखा है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में पड़ा हुआ है, ये तो आपने छोड़ ही देने हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देने हैं, इसको नहीं आपने छेड़ना। अच्छा, अब इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई कराना है 0 को 1 के साथ, तो वो यहाँ पे लिखना है, फिर माइनस करके इसको 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराना है, और वो यहाँ पे लिखना है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करा के 0, और फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा के इधर -2। ये हमने किया चूंकि आई लिखा था, आई फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में था वो छोड़ दिए थे हमने, वो उसके बाद अब आपके पास आता है, अब आपने फार्मूला का -j लिखना है। पहले आपने आई लिखा है, ऑल्टरनेटिव साइन चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, अगर आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, पहले आपने प्लस साइन लिख लिया आई, अब -j लिखना है, -j लिखा, और -j जो है वो ये माइनस फार्मूले का है, j यानी जैसे फार्मूले में मैंने बताया कि पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो ये -j डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन के फार्मूले का है, j लिखा। अब आपका j जो है किस रो और किस कॉलम में है, वो है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो ये आपने छोड़ देना है, ये आपने छोड़ देना है, बाकी फिर एलिमेंट्स क्या होंगे उसी तरह ही आपने इस -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, वो आपने यहाँ पे लिखना है, फिर आपने इस 2 को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई कराना, वो माइनस करके यहाँ पे लिखना है, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस, वो आएगा 0, -0। तो इस तरह से आपने जो सेकंड रो का जे एलिमेंट था, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का जे एलिमेंट था, वो भी एग्जॉस्ट करवा लिया। फाइनली रह गया के, तो के लिखा आपने प्लस करके, अब चूंकि इस फार्मूले में प्लस आना है, पहले प्लस आया था फिर माइनस आया फिर प्लस आया, उसके बाद आपने के जो है वो कहाँ पड़ा हुआ, के आपका पड़ा हुआ है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ये छोड़ देना है। तो इस एलिमेंट को फिर उसी तरतीब से ये जो -1 है इसको मल्टीप्लाई कराना है 1 के साथ, और वो आपने यहाँ लिखना, -1 आएगा, फिर माइनस करके आपने मल्टीप्लाई कराना है 0 को 0 के साथ, वो डेफिनेटली 0 ही आएगा, तो फिर यहाँ पे आपने लिख दिया। इस तरह से आपके डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन मुकम्मल हो गई। जब आपने ये कर लिया है, अब आप ज़रा इसको सिंप्लीफिकेशन कर लें, तो ये आएगा -2i माइनस माइनस प्लस j, और ये -k, इसे जो है हमने b क्रॉस c तो फाइंड कर लिया। अब b क्रॉस c भी एक हमारा वेक्टर ही आया है, b क्रॉस c एक वेक्टर आया है, लेकिन हमें जाना कहाँ पे है, a क्रॉस b क्रॉस c की तरफ। b क्रॉस c मालूम करने के बाद अब a के साथ इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, a क्रॉस b क्रॉस c। तो अब मैं ज़रा डिटेल जो है वो आपको चुके पर समझा चुका हूँ, उसी तरह लिखनी है, डिटर्मिना लिखना है 3x3 का, और उसकी पहली रो में आने हैं आई जे के, और दूसरी रो में ए की कॉम्पोनेंट्स, ए की कॉम्पोनेंट्स आई की तो आ जाएगी 1, जे की आ जाएगी 1, और ए में के नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब बी क्रॉस सी तो ये मालूम किया हुआ, -2 +1 और -1, इस डिटर्मिनेंट को भी उसी तरह ही बाई फर्स्ट रो एक्सपेंड करें, तो आई लिखेंगे 1 × -1 -1 0 × 1 0, फिर -j 1 × -1 -1 0 × -2 0, फिर प्लस के वो आ जाएगा 1 × 1 + 2, -1 × -2 करना है +2 आ जाएगा। इसकी सिंप्लीफिकेशन करें, -i + j + 3k, ये आपके पास आ गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इसको लेबल कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यानी जो फार्मूला हमने वेरीफाई करना है उसकी
लेफ्ट हैंड साइड हमने विद द हेल्प ऑफ गिवन वेक्टर्स मालूम कर लिए, जो उसने वेक्टर्स दिए हुए थे ए बी और सी, इनकी मदद से हमने ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड कर लिया है, जो कि हमारे पास आ गया है ये माइनस आई प्लस जे प्लस थ्री के। अच्छा, अब इसको मालूम करने के बाद क्या करना है, हमने राइट हैंड साइड की चीज़ें मालूम करनी शुरू करनी है। ए डॉट सी पहले मालूम करते हैं और फिर उसको बी के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। ए डॉट सी, ए डॉट सी जो है वो क्या हो जाएगा, ये ए है आई प्लस जे डॉट जे प्लस के। तो आपको पता है आई जे के आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो आई की इसके जे के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी, के साथ भी जीरो हो जाएगी। जब जे की डॉट जे जे के साथ लेंगे तो वन आएगी, जे की डॉट प्रोडक्ट के साथ लेंगे तो आपके पास जीरो हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा जीरो वन, जीरो प्लस वन प्लस जीरो, ये वन जगह वन, ये आ गया ए डॉट सी। अब ए डॉट सी को बी से मल्टीप्लाई भी कराना है, ए डॉट सी इंटू बी करेंगे तो वन है ए डॉट सी की वैल्यू, बी की वैल्यू है माइनस आई प्लस टू के, और वो आ गया माइनस आई प्लस टू के। इसको इक्वेशन नंबर थ्री टू लेबल कर लेते हैं। ये हमने ए डॉट सी इंटू बी भी मालूम कर लिया, अब ए डॉट बी इंटू सी मालूम करते हैं। उसी तरह ए डॉट बी आ गया, वो आ गया आई प्लस जे डॉट आई माइनस माइनस आई प्लस टू के। अब आई की आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, बाकी तो जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया माइनस वन। फिर इसको सी से मल्टीप्लाई कराना है, ए डॉट बी इंटू सी माइनस वन इंटू जे प्लस के, सी की वैल्यू है जे प्लस के, वो बन गया माइनस जे प्लस के, ये इक्वेशन थ्री हो गई। अब आप थ्री को टू में से सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास वो जो राइट हैंड साइड थी वो मालूम हो जाती है, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, वो आपके पास ये आ जाता है। ए डॉट सी तो था माइनस आई प्लस टू जे, वो सब्ट्रैक्शन करने से एक इसका नेगेटिव साइन जो आया हुआ था वो सब्ट्रैक्शन करने से पॉजिटिव हो जाता है और आपके पास आ जाता है माइनस आई प्लस जे प्लस थ्री के। तो याद रखें कि ये वही थी जो आपने ए क्रॉस बी क्रॉस सी मालूम किया था, वो भी यही था। तो अब आप करते हैं इक्वेटिंग वन एंड फोर। क्वेश्चन नंबर वन में आपने ए क्रॉस बी क्रॉस सी मालूम किया था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू भी यही आई थी और ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी की वैल्यू भी यही आई है। तो फिर ये दोनों आपस में बराबर हो गए। क्या क्या चीज़ें बराबर हो गई हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर हो गया है ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी के। तो इस तरह से जो गिवन वेक्टर्स थे उनकी मदद से हमारा फार्मूला जो है वो प्रूव हो गया है, ये फार्मूला जो है वेरीफाई हो गया, यानी फार्मूला हमने वेरीफाई करना था विद द हेल्प ऑफ गिवन वेक्टर्स। तो आपने वो वेक्टर्स पुट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो वैल्यूज मालूम की हैं दोनों इक्वल आई हैं, इस तरह से फार्मूला हमारा वेरीफाई हो गया।